31 कमरे की ये स्कूल बिल्डिंग है, 7 लैब्स हैं, एक लाइब्रेरी है, 2 बड़े बड़े मल्टीपर्पस हॉल है, कॉन्फ्रेंस रूम है। इस स्कूल में आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम तीनों की पढ़ाई होगी। आपके बच्चों को कोई दूर नहीं जाना पड़ेगा। इन 131 कमरों में 7,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे। आपको पता है कि कितना कब्जा और अतिक्रमण अलग अलग माफिया द्वारा इस जमीन पर किया गया था, पता है कि नहीं पता? और 2016 में इन भू माफिया से लड़कर इस जमीन का कब्जा खाली कराया गया और यहाँ पे स्कूल के बिल्डिंग का काम शुरू करवाया गया। यह सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार की वजह से हो पाया। 1947 से 2015 तक दिल्ली में 24,000 ऐसे क्लासरूम बच्चे बने हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए। 2015 से लेके आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने मात्र 10 साल में 22,700 कमरे बनाए और हमारे बच्चों को ये शानदार स्कूल दिए। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे IIT का, JEE का, NEET का एग्जाम पास करके देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। पिछले 3 साल में 4,00,000 से ज़्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया है। ये है दिल्ली की शिक्षा क्रांति। अब इन बच्चों का भविष्य, इन स्कूलों का भविष्य आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को अच्छी लैब मिले, अच्छे क्लासरूम मिले, अच्छी टीचर मिले, तो फिर से आपको फरवरी में अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को लाना होगा कि हमारे बच्चों को शानदार भविष्य मिलता रहे। तैयार हैं?